वेलकम टू नाज़रीन सामने किराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सेक्शन 365 मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत किसी शख्स को बताए बगैर धोखे के साथ या अगवा करके कैद में रखना, रोक लेना अपने पास, उसको बाहर ना निकलने देना उस मौलवी को, तो उसके बारे में कानून क्या कहता है, उसकी क्या सज़ा होगी। तो ये दफ़ा 365 पाकिस्तान पिनल कोड मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत आता है। इसमें हमें रहनुमाई मिलती है। आपसे गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम दोस्त अहबाब में शेयर किया करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो कानूनी मालूमाती फ़ायदा मंद मालूमात आप तक पहुंचती हैं वो और पहुंचती रहें और कंटिन्यू पहुंचती रहे। फ़ायदे की बात है हम सब के लिए कि हमें कानून को किस तरह फॉलो करना चाहिए। आइए नाज़रीन किराम, सेक्शन 365 पाकिस्तान पिनल कोड यानी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 365 के तहत किडनैपिंग और अबडक्शन विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined, deprived of freedom of that person, shall be punished with imprisonment either decision for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine or both. Punishment should be less or more, increase or decrease for the time being enforced law in the state or country. ये तो है लैंग्वेज इस सेक्शन की, सेक्शन दफ़ा 365 की मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान ज़ाब्ता जो सज़ाओं का है, कानून जो सज़ाओं के बारे में हमारी रहनुमाई करते हैं पाकिस्तान का, उसके तहत सेक्शन कहता है कि अगर कोई बंदा इस नीयत से दूसरे बंदे को अपने पास रोक लेता है, आज़ादी सलब कर लेता है इस नीयत से कि उसको पता ही नहीं है और उसको वो इलीगल नाजायज़ मुफादात हासिल करना चाहता है इस हरकत से, वो मुजरम जो है तो उसको कम से कम 7 साल की सज़ा होगी, जुर्माना भी होगा, ये दोनों भी हो सकते हैं, जो राजल वक्त कवानीन के तहत कमोबेश भी सज़ाएँ हो सकती हैं। इसकी सेशन सिविल कोर्ट, दीवानी, फौजदारी अदालतों में मुकदमात चलते हैं, सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, वाहन के बयानात होते हैं जिनमें मोस्टली गवर्नमेंट एजेंसीज जो उस मगवी को बाजाब कराने के लिए हरकत में आती हैं, एक्शन लेती हैं, वो अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं, ये सारा एक प्रोसेस है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि किसी भी मसले के हल के लिए सिविल लो, क्रिमिनल लो, दीवानी, फौजदारी, कारोबारी, टैक्स के हवाले से हो, कंपनियों की रजिस्ट्रेशनों के हवाले से हो, फैमिली मैटर्स हों,
किसी भी किस्म के इशू हों तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, ईमेल एड्रेस लिखा होता है, मेरा तल्लक लाहौर से है। आबद एडवोकेट हाई कोर्ट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सहूलत मुहैया करने के लिए हैं, फैसिलिटेट करने के लिए। इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन, आपसे गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को व्यू और लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, नेक मन्नाओं और दुआओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।